क्या हुआ तुझे, क्या हुआ कि किची कते? राधे राधे, कौन आया, कौन आया? पिकू, देख कर, कौन आया, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ किची कर दो तो? बच पिकू, पिकू गंदा बच्चा, पिकू पिकू अच्छा बच्चा नहीं है, पिकू गंदा बच्चा है। Hi guys, welcome to this channel. I hope you all are doing good, and you know this is our second and proper vlog. But before everything, first of all, congratulations on getting a new member to your home. I mean if you are here watching this video, then there are two reasons. First, you have a parrot and you want to know something new about him, and the second reason is you must really like our Pico. So guys, let's start with the video without wasting any time. Guys, since this one of the video got viral on Insta and people have been asking me that यार ये इतना clear कैसे बोलता है, मुझे इसकी diet बताओ, तो and my inbox and comment section is flooded with so many messages that I didn't get time to reply much of them. So finally I got a chance to create a proper video on Pico's कि ये इतना clear कैसे बोलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता seriously. पर हाँ, जो जो मैंने इसको डाउट में दिया है मैं वो आपको पूरा क्लियरली बताती जाऊंगी, ठीक है, शुरू से लेकर अब तक. तो पहले मैं पीकू का एक क्लियर इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. पीकू जब 15 डेज का था तो ये हमारे घर आया था, और ये अलेक्जेंड्रियन पैराकीट है, ठीक है. ही इज़ अराउंड 1 ईयर 3 मंथ का भी हो जाएगा 2-3 दिन में. ही इज़ अ मेल, अभी इसकी 1 ईयर 3 मंथ्स का होने वाला है, तो अभी इसकी जो रिंग नेक है ना वो भी धीरे धीरे आ रही है, तो पीपल आर कन्फ्यूज दैट ये मेल है फीमेल है. अब मैं जो पॉइंट्स जो डिस्कस करूँगी आगे, ठीक है, उसके साथ मैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है एज, तो मैं उसके साथ साथ आपको एज भी बताती जाऊँगी कि कौन से पॉइंट्स किस एज के लिए है, वो ज़रा ध्यान से सुन लेना और उसी हिसाब से देना, ठीक है. अब मैं शुरू करती हूँ. पहला पॉइंट जो है इंट्रैक्शन का है, और जो इंट्रैक्शन वाला पॉइंट है वो है सभी एज ग्रुप के लिए, ठीक है. मतलब इंट्रैक्टिंग कैन बी डन एट एनी एज. जब आप अपने बर्ड को 15 डेज या आपका बर्ड 20 डेज का भी है, डजेंट मैटर. देखो हमारे घर में एक छोटा बच्चा होता है तो हम कैसे उसके साथ बच्चे जैसे बात करते हैं, हम बिल्कुल शुरू से कैसे उसे बात करते हैं ना, वही करना है सेम, ठीक है. हम घर पे एक बच्चा ही लेकर आ रहे हैं, बात करने का तरीका इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा तो उसमें देखो मैं ना थोड़ा अलग ढंग से बात कर रही हूँ, या मैंने उसको वर्ड्स को थोड़ा खींच के बोला है तो वो जल्दी कैच कर लेगा, ठीक है. बात तभी करे जब वो ज़्यादा बिजी ना हो. मतलब बहुत बर्ड्स जो होती है वो क्या होती है ना, खेलती रहती है, उस टाइम पे तुम कुछ बोल रहे हो तो उसका ध्यान नहीं होता उस टाइम पर, ठीक है. तो वो चीज़ नहीं करनी है. जब आपका बर्ड जो है बिल्कुल अच्छे से आपको सुन रहा हो ना, तभी वो चीज़ अप्लाई होती है, तब आप उससे बात करो तो वो बहुत ध्यान से सुनती है चीज़ों को, और वो बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है. अब क्या करना है उसको ना, कभी अकेला नहीं छोड़ना. ये नहीं कि केज को बाहर टंगा के रख दिया और कह रहे हो मेरा पैरट बात नहीं कर रहा, या पैरट को किसी अंधेरे रूम में रख दिया आपने, केज को केज में बंद ही नहीं करना, ठीक है. बाहर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंखा बंद करके इट्स ओके, ठीक है. लेकिन ना उसको अकेले में छोड़ना. अगर केज में भी है तो फैमिली के अराउंड रखना. सपोज़ आपका लिविंग रूम है या टीवी देख रहे हो, तो आप अपने उसके साथ उसको साथ ही रखो हमेशा, ठीक है. और उससे ना हमेशा इंटरेक्ट करते रहो, सुबह से लेकर रात तक इंटरेक्ट करते रहो, कुछ ना कुछ बोलते रहो. जैसे हम छोटे बच्चों को भी तो बोलते ही है ना, बेबी खा लिया, क्या कर रहे हैं, इस टाइप का इंट्रैक्शन करते रहो कंटिन्यूसली, ठीक है. एक चीज़ और मैटर करती है इसमें कि आपको ना कुछ वर्ड्स जो है रिपीटेड बोलते जाना है. सपोज़ सुबह आपने मिर्ची खिलाई तो कुछ वर्ड्स जो है अगर आपको जो सिखाना है, जैसे गुड मॉर्निंग है, तो आपने वो रिपीट बोला, ठीक है, उसको एक हफ्ते बोलते जाना, देख लेना आपका वो
पर जो है वो ऑटोमेटिक बोलने लगेगा चीज़ों को। यही कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि अप्लाई होते हैं, एक तो रिपीटेड वर्ड्स और बात करने का तरीका, और इसको अकेला नहीं छोड़ना है। तो इंटरेक्टिंग वाला पॉइंट जो है आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो पीकू एंड अडोरेबल बर्ड करके इसका जो इंस्टा आईडी है उस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या फिर इसकी स्टोरी को शेयर करके टैग कर देना मेरे को, वो जल्दी पहुंच जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो बस यही करना है, इंटरेक्शन वाले पॉइंट बस यहीं तक है। अब नेक्स्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके बर्ड का जो है वोकल कॉर्ड्स क्लियर होंगे। सपोज़ वो बोल रहा है कुछ तो वो क्लियरली, जो आपने पीकू की वीडियो देखी होगी तो यही क्वेश्चन आया था कि कैसे वो इतना क्लियर बोलता है, बस इसी पॉइंट में है वो, कैसे इतना क्लियर बोलता है। तो ये क्लियर जो बोलता है, इसकी इनकी जो वोकल कॉर्ड्स जो क्लियर होते हैं वो है चिली, मिर्ची, ठीक है। इनको क्या करना है आपको, अब ये मिर्ची वाला पॉइंट है, मैं पहले एज ग्रुप आपको बता देती हूँ क्योंकि ये सबसे बहुत मैटर करता है इसमें एज ग्रुप, ठीक है। आपको 7 मंथ्स के नीचे वाले बर्ड्स को बिल्कुल मिर्ची नहीं खिलानी, पता चले उनका वोकल कॉर्ड्स क्लियर करने के लिए आप उसको बचपन में ही मिर्ची देने लग गए, ठीक है। जब तक वो 6.5 और 7 महीने का नहीं हो जाता आपको मिर्ची नहीं खिलानी है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इसमें जो है एज मैटर करता है। अगर आपने 6 मंथ्स के नीचे वाले बर्ड को मिर्ची खिला दी तो उनके वोकल कॉर्ड्स ख़राब हो सकते हैं। ब्लेम मत करना कि यार मेरे बर्ड्स अफेक्ट हो रही है इससे, ठीक है। ये पॉइंट सिर्फ 6.5-7 महीने के ऊपर वाले बर्ड्स के लिए है। तो क्या करना है आपको, नॉर्मल ऐसे नहीं कि चिली कभी भी दे देनी है, क्या करना है, सुबह उठते ही बिल्कुल आपको बर्ड को कुछ भी नहीं खिलाना, कुछ खिलाने से पहले ही जैसे ही बर्ड उठता है आपका, ठीक है, उसको एक मिर्ची दे देनी है। और ये डेली करना है जब आपका बर्ड 6.5-7 महीने का हो जाए। तो ये मिर्ची वाला पॉइंट मैं बता चुकी हूँ। इससे क्या होता है, मिर्ची विल हेल्प टू क्लियर द वोकल कॉर्ड्स, मतलब मिर्ची जो है क्या चली जो है वो वोकल कॉर्ड्स को क्लियर करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो गाइज इसके साथ मैं कुछ और चीज़ भी एड ऑन करना चाहूँगी कि अगर आप सोच रहे हो कि आपका पैरेट 2 साल का है और फिर ये सारी चीज़ें अप्लाई करो तो दैट वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स तैयार होने का जो प्रॉपर जो एक एज है वो 6.5-7 महीने के ऊपर से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी फिर भी प्रॉब्लम है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी जो है मैं वीडियो के एंड में डाल देती हूँ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे टॉपिक अपना भी बता सकते हो और मैं खुद भी लेकर आऊँगी कुछ यूनिक टॉपिक ऐसे ही। तो डू फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट था। थैंक यू सो मच, बाय गाइस, टेक केयर। पिकू बाय बोलो, पिकू बाय।